2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड टू के एक महत्वपूर्ण मैच में गुरुवार को भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने थी। इस मुकाबले का परिणाम क्या हुआ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन ये पहले बता देता हूं कि इस मुकाबले के बाद भारत की टीम अपने पुल में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई है। कैसे आई भारतीय टीम दूसरी पोजीशन पर ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और अफगानिस्तान के बीच सऊदी अरब में 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड टू का एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया। दोनों ही टीमें जीत से कम कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों की मुराद पूरी नहीं हुई और न भारत ये मुकाबला जीत सका न अफगानिस्तान की टीम ये मैच जीत सकी और नतीजा ये हुआ कि मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ और वो भी गोल रहित बराबरी पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मैच में भारत को मौके नहीं मिले, और कहना पड़ेगा कि जो भारतीय टीम है वो अपने प्रदर्शन से निराश होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भारत से रैंकिंग में काफी नीचे है। उसकी रैंकिंग 158 है जबकि भारत की रैंकिंग 117 है। तो उम्मीद ये व्यक्त की जा रही थी कि भारतीय टीम अफगानिस्तान को आसानी से शिकस्त दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि भारत ने मिले मौकों को भुनाया नहीं। अगर हम सिर्फ मानवीर सिंह की बात करें तो पहले हाफ में उन्हें कुछ मौके मिले जिन्हें गोल में तब्दील किया जाना चाहिए था, लेकिन मानवीर चूक गए और उसका खामियाजा भारतीय टीम को उठाना पड़ा। छांगटे ने एक बार लेफ्ट फ्लैंक से मूव बनाई थी, लो क्रॉस दिया था वहां पर मानवीर को, और मानवीर गोल में गेंद को नहीं डाल सके और नतीजा वो सुनहरा अवसर चला गया। इसके बाद निखिल पुजारी ने भी एक बार क्रॉस किया, वो भी मानवीर के पास पहुंची थी, लेकिन मानवीर उसे भी गोल में तब्दील नहीं कर सके। पहले हाफ के बाद स्कोर था भारत 0 अफगानिस्तान 0। दूसरे हाफ की कहानी भी पहले हाफ की जैसी ही रही, मतलब इस बार भी भारतीय टीम ने कई मौके गवाए और बस फर्क इतना था कि मानवीर की जगह पर विक्रम प्रताप ने दूसरे हाफ में कई अवसर गवाए। कुछ तो गोल एरिया के पास पहुंचकर जो है वो गेंद को गोल में नहीं डाल सके। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने काउंटर अटैक्स ज्यादा बनाए, जब भारतीय टीम ने आक्रमण किए और उसमें जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने काउंटर अटैक बनाया, लेकिन भारत का डिफेंस जो है वो बेहतर खेल रहा था। राहुल भीखे की हम बात कर लें, उसने जो है शानदार बचाव किया है वहां पर डिफेंस में, और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने भी कुछ एक अवसर पर अच्छी गोलकीपिंग की। तो मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ और निश्चित तौर पर भारतीय टीम निराश थी, और इगोर स्टमक को आप देख सकते हैं कि थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी दिखे वो इस प्रदर्शन के कारण, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय टीम जो है अपने पुल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। और आपको बता दूं कि जब इस पुल के सारे मैच खेल लिए जाएंगे तो जो टॉप की दो टीम होगी उसे राउंड थ्री के लिए क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत कैसे पहुंच गया तीसरे से दूसरे स्थान पर, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि कतर ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और उसने कुवैत को 3 गोलों से पराजित कर दिया। तो मतलब कुवैत ने जो अब तक 3 मुकाबले खेले हैं उसमें उसने सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीता है, जबकि भारत और कतर की टीम ने उसे शिकस्त दी है और कुवैत के 3 अंक है। जबकि भारतीय टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं उसमें 1 जीत हासिल की है, 1 हार का सामना करना पड़ा है और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। कुवैत को भारत ने पराजित किया था, तो कतर से भारतीय टीम हार गई थी और अफगानिस्तान के खिलाफ उसका मुकाबला गोल रहित बराबरी पर छूटा, तो भारत के 4 अंक हैं और इसीलिए भारत जो है इस ड्रॉ के साथ
2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड टू में अपने पुल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कतर की टीम पहले नंबर पर है। भारत का अगला मुकाबला जो है वो 26 मार्च को अफगानिस्तान से ही होगा। फर्क इतना है कि इस बार ये मुकाबला होम मैच होगा और गुवाहाटी में ये मैच खेला जाएगा और इस मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत चाहेगी, क्योंकि भले ही अभी वो दूसरे नंबर पर है लेकिन एक ड्रॉ या हार उसे जो एक ख्वाब है कि वो अगले राउंड में क्वालिफाई करे इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उस सपने को तोड़ सकती है। इसलिए भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है और महत्वपूर्ण ये है कि मिले मौकों को वो भुनाए, उसे गोल में तब्दील करे। भारतीय फुटबॉल टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।